साथियों, अभी हमें एक कॉल आई है समता नगर नागपुर से, और एक सामाजिक कार्यकर्ता है बंटी नायर। उन्होंने बताया कि उनके घर के पास एक बड़ी धामन निकली है, तो चल के देखते हैं कौन सा सांप है। दोस्तों, यहाँ पे एक राशनिक रेस्क्यू हुआ है, देख सकते हैं आप। मराठी मध्ये धामन, और गर्मियों का सीजन चल रहा है दोस्तों, तो ये ठंड तलाशते हुए ठंडी जगह में धीरे धीरे संभाल लिया। जेल जेल रहे तो वैसे थोड़ा पकड़े थे, कौन आया हमारे इसलिए वो था। हमारे बंटी भैया, उन्होंने हमें कॉल किया था, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है। नहीं, सांप बिल्कुल जहरीला नहीं है, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। बस अगर इसको अगर ऐसा लगा कि कोई इसे छेड़ रहा है तो ये काटने की कोशिश करता है। सांप बिल्कुल जहरीला नहीं है। बड़ा भी कैसा है, हमको काफी समय हो गया सांपों को पकड़ते हुए, तो हमको इसकी आदत हो गई है। तो आप उसको हल्का हल्का पकड़ रहे हैं, आप उसको चलने का मौका दे रहे हैं। जी जी, जैसा कोई बंदा पकड़े उसको टाइट पकड़ेगा। ठीक है, इसको एक अभी हम रेस्क्यू करके रखेंगे। एक आधा कपड़ा या फिर कैरी बैग दे दीजिए बाबू। कैरी बैग लेकर बड़ा वाला कॉटन का देना, या फिर तकिया का कवर होगा तो देना पूरा। कॉटन का बड़ा कॉटन का कपड़ा ले गया, बड़ा वाला वो रखा है, वो ले गया। अरे वो कपड़ा ले गया, कपड़ा नहीं चलेगा। नहीं, थैली कॉटन की थैली, कॉटन की थैली वाली। गर्म हो तो गर्म हो तो ये है आराम बंद करके चालू कर रहा हूं। 5 सवा 5 बहुत बड़े होते हैं, 10-10 फुट के है ना। हाँ, ये 12 फुट तक के चले जाते हैं लंबाई इसकी। इसको पकड़ा दो ना भी एक बार। नहीं नहीं, आ जाओ हाथ लगा के देखो बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ लगा। नहीं, बंद कर आप कुछ नहीं कर रहे। अरे गीत दबा रहे, हाथ लगाओ ना, कुछ नहीं कर रहा। करो, वेरी गुड। कोई बात है, हमारे साथ में चलना। मैं इसको लेके जाना साथ में, साथ ले ले। तो जैसे कि आपने देखा है, जब भी हमने एक धामन रेस्क्यू की थी, तो उसे हम अभी
से निकाल के छोड़ो ना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।